ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वारगाट उपमंडल के माकड़ी गांव के निवासी ब्रिजचरण सिंह ने हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC बिलासपुर के परिचालक पर पूरे पैसे लेकर टिकट कम देने और दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं। स्वारगाट उपमंडल के माकड़ी गांव के निवासी ब्रिजचरण सिंह ने हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC बिलासपुर के परिचालक पर पूरे पैसे लेकर टिकट कम देने और दुर्व्यवहार करने की आरोप लगाए हैं। चरण सिंह ने नैना देवी में पत्रकारों को बताया कि वे मेहनत मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण करता है और जब मजदूरी करने के उपरांत शाम को खाल स्लोवा से अपने घर माकड़ी के लिए रवाना हुआ तो HRTC बिलासपुर की बस जो 5:30 बजे नैना देवी से नंगल के लिए चलती है उस बस में सवार हुआ और परिचालक ने माकड़ी तक मुझे 13 रुपए देने के लिए कहा। मैंने उसे 13 रुपए दे दिए लेकिन टिकट नहीं दी। बार बार टिकट मांगने के बावजूद नहीं दी लेकिन जब माकड़ी के पास पहुंचा फिर टिकट मांगी तो 13 रुपए की बजाय 5 रुपए की टिकट दी। जब मैंने पूरी टिकट मांगी तो परिचालक ने उससे दुर्व्यवहार किया और कहा कि जहां भी शिकायत करनी है करो। चरण सिंह ने कहा कि ये घटना 13 मई की है। उसने मांग की है कि इस घटना की जांच की जाए और दोषी परिचालक पर कार्रवाई हो ताकि दोबारा कोई ऐसा दुर्व्यवहार सवारी के साथ ना करे। गल है जनाब, मैं खालते चढ़िया जी बस ते उन में 13 रुपए ले जी, 5 रुपए दा मेरा टिकट कटिया। मैं उन रस्ते बोलया मां टिकट दे दो, बोला ठहर जा पैसे ज्यादा कट दी साडी मशीन। फिर जब माकड़ी पहुंचे मैं फिर उन 5 रुपए दा टिकट फड़ाया जी। 13 लिया 8 रुपए 13 दिए टिकट 5 रुपए का दिया। हां जी ये बस नंगल नैना देवी से 5:30 बजे चलती नंगल जी सरकारी बस है। HRTC की है। हां जी नंगल जाती है। हां जी नंगल जाती है। हां जी।